सर किराया? किराया मुझसे किराया मांग रहा है? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अबे इंस्पेक्टर स्टेट फायर नाम है मेरा, एक गोली चलाऊंगा पूरे जिस्म में छेद हो जाएंगे तेरे। तो वाजिद भाई आपने फैसला कर लिया कि सलमान? अरे भाई ये फैसला तो मेरी बेटी करेगी ना कि उसे सलमान पसंद आया है कि नहीं। मैंने अपने मामू को किडनैप करने का प्लान किया। जी क्या है ये? उतर इसके ऊपर से, ला दे इधर। मैं तो खुद छीन के ला रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, अब तक तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही होगी। कौन हो भाई? स्ट्रेट फायर। काल। अरे अरे मेरा टुकड़ा। मगर तुम्हारे अंकल अगवा हो जाएंगे? मेरे पास एक प्लान है। आप वाजिद निजामी हो ना? तुम वाजिद निजामी का इंतजार कर रही हो? हाथ उठा, हैंड अप। अबे जानता है मैं कौन हूँ? हाँ तो ओए गलत आदमी को उठा लाए हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही वाजिद निजामी हो। डॉक्टर साहब मुझे तो कहीं से ये पुलिस केस नहीं लगता। अब ये होश में आए तो पता चले क्या आया इनके साथ, क्या कुछ हुआ। तू वाजिद निजामी है या स्टेट फायर या टेढ़ी मेढ़ी फायर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? देख मेरी बात सुन। अरे मैं मामू नहीं हूं। मुझसे कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ये जो कुछ तुम दोनों कर रहे हो ना, यही काम मैं करता हूं। हमें 25 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख। तू वाजिद निजामी है या स्टेट फायर या टेढ़ी मेढ़ी फायर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? समझा इसे, चरिया हो गया। इसको बता मेरे एक दफा हाथ खोल दे वरना 25,000 जूते इसके सर पे मारूंगा, अगली 25 नस्लें गंजी निकलेंगे। अरे चाहे तुम्हारे बच्चे। गंडक, गंडक, गंडक। नहीं नहीं। अरे बेवकूफ, गंद उठा। ये गन मेरी है और ये नकली है। चल चल गंडक, तू भी चेक करना। और लेकिन मेरे पास बिल्कुल असली गन है। है? बंदा निकली गन? ये कौन सी केमिस्ट्री है? कौन सा खेल? 2020 2020 चलो
सब उठाओ हाथ, चलो उठाओ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ चलो स्ट्रीट फाइट। हेलो, अस्सलामुअलैकुम पप्पो। वालेकुम सलाम बेटा, बोलो। डैड का कुछ पता लगा? बेटा नुमान और सलमान का फोन बंद जा रहा है। प्लीज आप देखें ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी। बेटा डरने की क्या बात है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मुझे ये बताओ कि किस होटल में ठहरी हुई हो। मैं अभी 10 मिनट में तुम्हारे पास आती हूँ। हम तो यहाँ डिकेती करने आए थे, लेकिन यहाँ तो बना बनाया गेम मिल गया, बकरा बंधा हुआ मिल गया हमें। वाओ क्या किस्मत है हमारी। वैसे कितने की रसाई है? अब करोड़ करोड़ रुपए भाई। ये मेरे अंकल है। शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसों के लिए अपने मामू को किडनैप कर लिया? बकवास कर रहा है ये। ना मैं इसका मामू हूँ और ना ही कोई बकरा। चलो खोलो, मुझे गलत आदमी पकड़ लाए हैं ये। गलती से? मोना डार्लिंग क्या कहती हो? इनसे पूछो कितना तावान मांगा है। सिर्फ 25 रुपए, लाख। तो कोई ला रहा है क्या? अबे कौन लाएगा, गलत आदमी पकड़ लिया है, कह रहा हूं ना मैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं ला रहा तो अब ले आएगा। सामने आ। मोना डील करेगी मेरे साथ? कैसे? मुझे खोल दे, इन दोनों को बांध दे, इसके घर वालों से 5 लाख रुपए दिलवाऊंगा तुझे। मत खोलना इसे। क्यों? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट फायरिंग करता है, गोलियां आर पार कर देता है, बहुत मारेगा मैं। अबे ये तो तेरे मामू है। नहीं, ये मेरे मामू नहीं है। नहीं नहीं। अबे क्यों झूठ बोलता है सलमान, मैं तेरा मामू हूँ। ठीक है लेकिन स्ट्रेट फायर एक बात का ख्याल करना, मेरे पास बिल्कुल असली गन है यू नो। अरे यार पार्टनर्स हैं हम, तू मेरा पार्टनर है, 5 लाख रुपए तुम्हारे, ऊपर जो आएगा वो मेरा। बोल। बॉबी, एनजे, खोल दस। तुम कहाँ हो बिल्किस? तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगा? एक तुम ही तो हो जिसको मैं चाहता हूं और जानता हूं। मैं आ गई। मामू नोटी बबलू, तुम आ गई? ओफो बबलू, मैं जालिम समाज को मनाने गई थी लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि बबलू बहुत खतरनाक है। मैं अब इतना मोटा भी नहीं हूँ। वही तो, अरे मोटे होने से क्या होता है, मुझे तो बहुत पसंद है सब मोटे, और खास तौर पे वो मोटे जो मुझे पसंद करते हैं। अब तुम मुझे छोड़ के कहीं जाओगी तो नहीं ना? बबलू तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मुझे तो मालूम ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। तुम्हें बस मेरे साथ जाना है। अच्छा और तुम किसके साथ जाओगी? तुम्हारे साथ बबलू। बाय बिल्किस। ओके बाय बिल्किस। मामू Oh.
यार सलमान, एक बात बता यार, तुझे कुछ नजर आ रहा है? कसम से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हैरत की बात है यार, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सुन, तू और तेरी वो हतमी महबूबत दोनों अंधे हैं, वही मुझे अच्छी तरह यकीन है। देख तू फिर पर्सनल हो रहा है यार, अगली ने बोलो उसको। वो इंसान मेरा मामू नहीं हो सकता यार। चल बे, चल निकल मोबाइल, निकाल अपना। जरा पास आइएगा, ये जो नजर आ रहा है ना, ये मोबाइल है। पुलिस को फोन कर रहे? पुलिस को भी फोन करूंगा, पहले इनके घर वालों को फोन करके तावान तो मंगवा लूं, फिर पुलिस भी आएगी, ये भी अंदर होंगे, समझ क्या रखा है इन्होंने। चल बे, नंबर बता अपना। 6292 5622। जल्दी से मिला ले तू। यही मिला ले तू। मम्मी, अरे ये तो बिजी आ रहा है, मुझसे कौन सा नंबर दे दिया तूने? जी जाएगा ना, इसी मोबाइल का नंबर है। नंबर बोल जल्दी से, मजाक ना कर। 6212 3956। सुनिए, सिम वन से मिलाइएगा, सिम टू में बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ नुमान, सायरा बोल रही हूँ। सायरा मेरी जान, मैं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे पागल, वो स्टेट फायर बन के बोल रहा हूँ ना, तू कहाँ है? मैं लॉन में हूँ, लॉन में। वहाँ क्या कर रही है? तुमसे बात कर रही हूँ। अरे मुझसे बात करके तुझे क्या मिलेगा, ये बता कि जिस आदमी को अगवा करना था वो कहाँ है? वाजिद अंकल, वो तो तुम्हारे पास है ना। देख जाने मन, हमने जिस आदमी को अगवा किया है वो आदमी नहीं है, गलत अगवा हो गया है आदमी। गलत आदमी? अरे इतना भी गलत नहीं है, तू ये बता कि तू उसी के घर में है जिसको अगवा करना था, मेरा मतलब है वाजिद निजामी के घर पे है तू? नहीं, मैं तुम्हारे घर पे हूँ। मेरे घर पे? मेरे घर तू कहाँ पहुँच गई है भाई, मलीर में है तू? मलीर नहीं, मैं डिफेंस में हूँ, डिफेंस में। तुम्हारा सामान के घर पे हूँ। अच्छा, वो मैं समझा कि शायद तुम मलीर चली गई है। अब मेरे घर कहाँ है तुम और वहाँ कैसे चली गई? अच्छा नुमान बात सुनो, तुम्हारे अंकल की बेटी आ गई है, अब्बू नहीं आए, वो आदमी झूठ बोल रहा है, वो तुम्हारा अंकल है। अरे मैं मामू नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, जिनको ना हमने अगवा किया वो तुम्हारे मामू है, मामू। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, कोई आ रहा है। ओके सो क्यों रहा है? कसम खुदा की सो रहा था भाई, मैं हल्की सी नैप ली थी बस। नैप? बंगला छान मार लिया, ना ही कोई कैश मिला और ना ही कोई जेवर। कुछ मिला? उसको बताओ तू यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें कहा था ना उनके सर पे खड़े रहने का, उन पर नजर रखने का। मैं उनके सर पे कैसे रह सकता हूँ? मतलब तुम्हें वही रहना चाहिए था, इसका कहने का ये मतलब है। क्यों, नीचे जाके मैं क्या करूंगा? दोनों बंदे पड़े में, स्ट्रेट फॉर पता नहीं क्या करता फिर रहा है। क्या मतलब है कि क्या करता फिर रहा है? मालूम नहीं, तीन मर्तबा बाथरूम जा चुका है और पता नहीं कहाँ है वो। ओके,
इसका मतलब है कि वो कोई खुफिया प्लान बना रहा है। अबे गावड़, स्ट्रेट फाइट बड़ा खतरनाक आदमी है, हमें उससे होशियार रहना होगा, वरना कोई भी होशियारी दिखा सकता है वो। मेरी मॉम कहती है एंजेल ज्यादा होशियार कोई भी नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह है। जाओ जाके ढूंढो उसे। हाँ, हम उसके प्लान पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें अपने प्लान पे चलना होगा। Exactly. प्लान? अपना भी कोई प्लान है? हमारा प्लान है ना, हमारा प्लान यह है कि जैसी तावान की रकम आ जाएगी हम स्टेट फाइल को बांध कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। कैसे बांधोगे? स्ट्रेट फाइल तो है ही नहीं बंगले में। क्या बंगले में नहीं है मतलब? ओ भाई, वो भाग गया है, निकल गया है पतली गली से वो। मगर क्यों, कहाँ निकल गया? ये तो उसी को मालूम होगा ना, शायद वो आजाद होना चाहता था। और ये बात तुम अब बता रहे हो गामण? कब बतानी थी, कोई टाइम डिसाइड हुआ था तुम्हारे मेरे बीच में कि ये बात अब बतानी है? एनजी के साथ कहाँ फंसा दिया मोना तुमने, जाओ ढूंढो इधर ही कहीं होगा वो। उठो जाके ढूंढो साथ। ओके क्या किधर ओहो, चल चल ना, जो तुझे समझा रहा हूं बस वैसा करता जा, ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे, समझा? हाँ हाँ, मिलता हूं तुझे बाद में। ओके स्ट्रेट फाइव भाई। स्ट्रेट फाइव, स्ट्रेट फायर, स्ट्रेट फायर भाई, स्ट्रेट फायर। ये सारा कसूर है ना तुम्हारा है। कसूर तो नूरजहां का है। नूरजहां? कौन नूरजहां, क्या मतलब? गुलुकारा नूरजहां कसूर गई तो थी। गॉड, वो कहाँ रह गया, उसको ढूंढो। मुझे लग रहा है कोई गेम है। कैसा गेम? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Yes! सर, सीपीएलसी से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। गुड, लोकेशन मालूम हुई? जी सर, डिफेंस का एक बंगला है। तुम तैयारी करो, रेड पर्सनली मैं खुद मारूंगा जाके। ओके सर। ओके। सुनिए, वो मुझे ना एक्चुअली बहुत जोर से वॉशरूम जाना है। चुप है। देखिए, चुप रहने से मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मसला छोटा है या बड़ा है? ये मसला तो जब आप लोग के सामने आएगा तभी पता चलेगा ना। फजूल की बातें करना बंद करोगे तुम लोग? इससे पूछो कि इन लोगों का मामू कहाँ है। मामू? वो स्ट्रेट फायर। जी मामू स्ट्रेट फायर। यार वो मेरा मामू नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो तुम्हारा मामू हो भी नहीं सकता, वो तुम दोनों को मामू बना गया है। वो सिर्फ इन दोनों को नहीं, हम तीनों को मामू बना के चला गया है। वो हम सबको मामू बना गया। अच्छा सुनिए, ये तो बताइए कि वो खातून है कौन जिनके बच्चों के मामू है। तुम ज्यादा शोखे नहीं हो रहे हैं बॉबी? सलमान, नुमान का नंबर नहीं मिल रहा, क्या करूं? ए, अपना फोन दो। उधर मुंह कर। सुनिए। हाँ पता है, सिम वन में बैलेंस नहीं है, सिम टू से बात करनी है। हेलो, सायरा बोल रही हूँ। नुमान, नए नंबर से क्यों फोन किया है?
ओ, तुम कितना अच्छा खिलाती हो। तुम कौन हो? मैं बॉबी हूँ। बॉबी? बॉबी नाम मुझे शुरू से बहुत पसंद है। मैंने नुमान से इतनी बात कहा बॉबी नाम रख लिया अपना। ओ माय गॉड, तुम कितना अच्छा खिलाती हो। एक बात बताओ, खूबसूरत भी हो या है वही हो? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस मिल गया ना, उसको छोड़ो, जल्दी से अपनी तस्वीर भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी खूबसूरत हो। ठीक है ठीक है। चुड़ैल से बात नहीं कर रहा, हकली से बात कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है मुझे हकली लड़कियाँ कितनी पसंद है। अभी से हकलाना भी शुरू हो गया। अच्छा है तेरी जिंदगी में कोई लड़की भी तो है। हाँ, तुमने भी कितनी कोशिश की थी ना हकलाने की, लेकिन यू नो आई लव हकलीस। मैं क्या करूं? तुम भी हकलाते हो? नहीं। वेरी गुड, आज के बाद हकलाना भी मत, क्योंकि मुझे हकलों से नफरत है। एक काम करें, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मंजूर? ये क्या कर रही हो? शट अप। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे अपने बॉयफ्रेंड बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, समझे? तो एक्सक्यूज मी, मैं भी नहीं अकलाता हूं। मैं फोन दे रहा हूं। ये लो फोन, बैलेंस उतना ही है। आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना पब्लू? अरे भला मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा? तुम उधर। अरे तुम्हें होश आ गया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं तो लूट गया, डकैती हो गई है मेरे साथ। एक बंदा था स्ट्रेट फायर, शायद यही नाम था उसका। क्या कहा? स्ट्रेट फायर? स्ट्रेट फायर, कहाँ हो तुम? जी जी सर। ओ सर जी, मेरी एक बात गौर से सुनो, मैं सारा मामला समझ गया हूँ। इसमें मेरी बेटी और मेरा एक दोस्त इन्वॉल्व है और अब ये मेरे घर का मामला है। मैं कहाँ हूँ? सर आप हॉस्पिटल में? मैं बिल्किस को बुला के लेकर आती हूँ। बिल्किस कौन है? सर आपकी फ्रेंड बिल्किस। क्या बकवास कर रही हो, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ कैसे आया? सर आपका एक्सीडेंट हुआ था। रेड फायर कार? हाँ एक्सीडेंट, मेरे 2 करोड़, मेरे 2 करोड़। बबलू मोहतरमा, जरा अपना फोन देना। क्या आप मुझे मोहतरमा कह रहे हैं? अरे मैं तो बिल्किस हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना बबलू? अरे भला मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा? अच्छा आप मुझे अपना फोन दें, मुझे अपने घर वालों को फोन करना है। अच्छा ठीक है, अपने और मेरे बारे में भी बता देना अपने घर वालों को। क्या कि तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था? हेलो, मैं वाजिद बोल रहा हूं।
अरे नहीं भाई, ये किसी खातून का फोन है, लो इनको एड्रेस समझाओ। हाँ हाँ भाई, परेशानी की बात नहीं है, इस हॉस्पिटल का नाम और पता इस खातून से पूछ लें। ये कौन सी आपकी बबलू? मेरी बेटी थी। क्या? I love you, Saira. मुझे तो ये सब ख्वाब लग रहा है। और मैंने तो ख्वाब देखने शुरू कर दिए। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, जब तस्वीर में ऐसी हो तो सामने आओगी तो कैसी लगोगी? अच्छा तो तुम नुमान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बताएगा। नुमान? नुमान, सिट सिट सिट। अब एक बात बताओ, वो सहरा देखने में कैसी है? हेलो, पहले मैं ये देख लूं कि ये गोली तेरे भेजे में कैसे लगा। बंगले को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। एक मिनट, ये मेरे डैड की आवाज है। डैड, 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 डैड। उसकी डैड की आवाज है तो बोल। आप डैड, 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 डैड। मोना, तुम ये सही नहीं कर रही हो मेरे साथ, मैं तुम्हारा दोस्त रह चुका हूँ। रह चुके हो? हो नहीं। ओके, मैं तो अब सलमान की हूँ। क्यों सलमान? ऐसे नहीं डार्लिंग, तुम प्यार से बोलो ना। हाँ ना, घेर लो सबको। मुना बेटा, तुम यहाँ पर? डैड, इन लोगों ने हम लोगों को अगवा किया है। हमने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। इधर इधर इधर, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हेलो, कौन? वाजिद निजामी बात कर रहा हूं। अरे तुम्हें होश आ गया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस दिन तो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, मैं तो परेशान हो गया था। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पहचान लिया। बस तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। अरे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और ये तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे थे? मैं तो लुट गया, डकैती हो गई है मेरे साथ। एक बंदा था स्ट्रेट फायर, शायद यही नाम था उसका। क्या कहा, स्ट्रेट फायर? हाँ यार, अजीब सा नाम था उसका। गाड़ी मुझसे छीन ली और बस क्या बताऊं तुम्हें। तुम मुझे गाड़ी का नंबर बताओ, और गाड़ी किस कलर की थी तुम्हारी? यार ये तो कमाल हो गया, समझो कि तुम्हारा केस हल हो गया। हल हो गया? वो कैसे? मिल गई यार तुम्हारी गाड़ी। तुम्हें मैं एक एड्रेस SMS कर रहा हूँ, तुम फौरन इस पते पे आ जाओ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्ट्रेट फायर, कहाँ हो तुम? जी जी सर। और सर जी, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी एक बात गौर से सुनो, मैं सारा मामला समझ गया हूँ। इसमें मेरी बेटी और मेरा एक दोस्त इन्वॉल्व है, और अब ये मेरे घर का मामला है।
अरे ओके सर जी, लेकिन मैंने कहा ना ज्यादा मत बोलो और उस बंगले के एड्रेस पे फौरन पहुंचो। मेरी एक बात गौर से सुनो, इस केस का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें दूंगा और हाँ कोशिश करूंगा कि तुम्हारी नौकरी भी बहाल हो जाए। समझ गया सर, आता हूँ सर जी, आता हूँ। हाँ अच्छा सुन, आइए आइए निजामी साहब, आइए आपसे मुलाकात होगी वो भी इस तरह। सलमान तुम यहाँ? मामा इन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, बहुत मारा है। अरे सलीम ये तो वही शख्स है जिसने मुझसे गाड़ी छीनी थी। अरे निजामी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरा इंस्पेक्टर है स्टेट फायर, इसकी पेटी उतरी हुई थी, अब इस कारनामे के बाद मैं इसे खुद बहाल करवाऊंगा। क्या मतलब, मुझे लूटने पर? अरे नहीं यार, इसकी बहादुरी पर। अरे निजामी तुम्हें पता है मेरी बेटी मूना और इन लड़कों को इन बदमाशों से इसने रिहाई दिलवाई है। अरे सलीम इस शख्स ने मुझसे गाड़ी छीनी थी वो भी पिस्तौल दिखाकर। अरे छीनी कहाँ थी साहब, ली थी आपसे मैंने वो मुजरमों का पीछा करने के लिए। लेकिन तुम उससे मांग भी सकते थे। अगर आप उस वक्त ना देते तो? अरे कौन यहाँ पे पुलिस की मदद करने के लिए तैयार होता है, इसलिए पुलिस को कभी कभी डकैती का रंग देने के लिए ये हरकत करनी पड़ती है। वो मेरी रकम, मेरा मतलब है कि मेरा ब्रीफ केस। अच्छा वो गाड़ी में पड़े, मैं लेकर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा मुझे नहीं पता, ये लोग मुझे उठाकर ले आए। ओ खुदाया, जब भी तो मैं कहूँ कि तुम लोग सारे गायब कहाँ हो, घर फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। ये आपका बेटा है? जी ये मेरे भाई साहब हैं। अच्छा तो ये दोनों वाजिद निजामी के भांजे हैं? अरे हाँ हाँ मैं ही तो मामू हूँ। मामू? हाँ यही है यही है यही है यही। सारे कागजात आपके महफूज हैं, किसी को नहीं खोलने दिया ये मैंने। तुमने वाकई इसे खोला नहीं या तुमसे खुला नहीं? कसम ले लीजिए साहब, वाकई नहीं खोला मैंने इसे। अरे इसमें कागजात नहीं है, इसमें नोट है। तुम्हें मालूम है कि इसमें कितनी रकम है? देखो देखो साहब, पुलिस किसी के माल पे नजर नहीं रखती। शाबाश मेरे जवान, देखा निजामी ये होती है पुलिस और इसे कहते हैं पुलिस का किरदार। सलीम तुम्हें इस बात का पता है कि इस ब्रीफ केस में कितने पैसे? पूरे के पूरे 2 करोड़। अच्छा 2 करोड़ रुपए? स्ट्रीट फाइट। अरे होंगे, हमें क्या। वैसे आप बहुत बहादुर इंस्पेक्टर हैं, आपकी शादी हो गई? आपकी? डैड ये वही घर है ना जो आप खरीदना चाहते थे? अरे हाँ ये तो वही है, मैं अभी ब्रोकर को फोन करता हूं। मोना मैं तुम्हें घर दिखा। आओ मैं हाँ देख लोगी तुम, आ जाओ। डैड और मैं? हाँ हाँ बेटा तुम भी जाओ अच्छी तरह बंगला देख। नहीं मैं इनको दिखाना चाहता। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, जरूर दिखाओ बेटा जरूर दिखाओ। चले
Thank you.